हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से क्योटो सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे जब इस इवेंट की शुरुआत होने ही वाली होती है तो यहाँ पे गोजो लाउड स्पीकर से भाई अनाउंसमेंट कर रहा होता है और वो एकदम से वो माइक उटाहिमे को दे देता है। उटाहिमे यहाँ पे भाई शॉक हो जाती है और वो कहती है, भाई मैं बोलू क्या यार, मेरे को तो प्रिपेयर भी होने का टाइम नहीं दिया तुमने। वो यहाँ पे हिचकिचाहट से स्टूडेंट से बोलती है, ठीक है फिर चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे ही देती हूँ। और इतने में गोजो फिर से वो माइक छीन लेता है और कहता है, चलो फिर जाने दो इन सारी बातों को और इस इवेंट को शुरू करते हैं। दोनों के दोनों टीम भाई फॉरेस्ट में भागना शुरू कर देती है और यूजी ये पूछता है कि वो ग्रेट टू कर्स होगा का, तो पांडा यही कहता है कि देखो वो इधर उधर ही घूम रहा होगा, हमें उसे ढूंढना है। माकी इधर यूजी को याद दिलाती है कि हमारा प्लान क्या है और ये लोग मेगुमी के डिवाइन डॉग्स का इस्तेमाल करके ग्रेट थ्री के कर्स को ढूंढ रहे होते हैं। ये लोग उसको एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, लेकिन तभी इधर आओई टोडो आ जाता है और उस कर्स की बैंड बजा देता है। यहाँ पे यूजी ज्यादा इंतजार नहीं करता और वो भाई आगे जाके टोडो के फेस पे अपने घुटने से अटैक कर देता है, जिसके बाद एक तरफ मेगुमी और माकी दोनों साथ चले जाते हैं और दूसरी ओर नोबारा टोगे और पांडा एक साथ चले जाते हैं। ये लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं और इनका प्लान यही था कि भाई यूजी इधर टोडो से अकेले लड़ाई करे जिससे कि उनकी टीम को थोड़ा समय मिल जाए। और यूजी यही कहता है कि देखो अगर मैं लड़ूंगा तो फिर मैं जीतने के लिए ही लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इधर टोडो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो भाई बड़ा खतरनाक पंच यूजी को मारता है जिससे कि बीच में एक ग्रेट थ्री का कर्स भी आ जाता है और उस कर्स की तो बैंड बजती बजती है, साथ ही साथ वो यूजी भी उड़ता हुआ जाता है और एक पेड़ पे जाके ठुकता है। इससे पहले कि यूजी भाई अपने होश में आ पाए, भाई टोडो इधर आके उसके फेस पे मारना शुरू कर देता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता और वो इधर से जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो इधर से जा रहा होता है तो वो देखता है कि पीछे भाई यूजी फिर से खड़ा हो चुका है और यूजी कहता है कि तुमने इतनी बुरी तरह से मेरे सर पे मारा है ना, मैं पहले इतना बेवकूफ हूँ, अगर मैं और बेवकूफ हो गया तो इसमें तुम्हारी गलती होगी, समझे। तो टोडो कहता है कि देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि टाकाटा चैन को बेवकूफ लोग ही पसंद है, तो चलता है। तो यूजी कहता है, देखो मेरे को किसी आइडल वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो टोडो कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि वो एक आइडल है, वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो यहाँ पे भाई जब यूजी अपना टाइप बता कि उसको लंबी लड़कियां पसंद है बिल्कुल टोडो की तरह, तो भाई टोडो तो अपनी मेमोरीज में खो जाता है और वो एक मेमोरी याद करता है जहां पे भाई यूजी ने टोडो को काफी सपोर्ट किया था जब भाई टोडो टाकाडा को प्रपोज करने गया था और उसको अपनी फीलिंग बताने गया था, लेकिन टाकाडा ने उसे मना कर दिया था। रिजेक्ट होने के बाद भाई वो यूजी के पास आया था और यूजी ने उसको कंधा दिया था, जबकि ऐसी कोई बात हुई भी नहीं। भाई टोडो अपने मन में अलग ही कहानी बना रहा है, लेकिन टोडो का ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल असली था। और टोडो और यूजी काफी समय से बेस्ट फ्रेंड्स है और उनके होम टाउन में उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। यहाँ पे यूजी खुद कंफ्यूज हो जाता है और कहता भाई चल क्या रहा है इधर, क्योंकि भाई टोडो रोने लग जाता है इधर। लेकिन तभी इधर क्योटो टीम के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और वो यूजी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इधर यूजी बिल्कुल अकेला होता है लेकिन वो फिर भी माई की बुलेट से और साथ ही साथ कासुमी की शॉट से आराम से बच जाता है। यूजी को समझ आ जाता है कि भाई ये लोग यूजी को जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन ये सब देख के भाई टोडो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इधर एक बार क्लैप करता है जिससे कि वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाता है और सबकी प्लेस भाई चेंज हो जाती है जिससे कि यूजी बच जाता है। इधर टोडो नोरितोशी से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा, यहाँ से निकल जाओ। तो नोरितोशी इधर से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि सिर्फ इसकी एक कंडीशन है कि तुम यूजी को मारोगे जरूर। तो वो यहाँ पे इन तीनों स्टूडेंट्स के साथ निकल जाता है और टोडो भी यही कहता है कि हाँ मैं पीछे नहीं हटूंगा भले तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अब वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई मोमो ऊपर से पूरी नजर रख के बैठी होती है और अपनी टीम को इन्फॉर्म करती रहती है, लेकिन भाई इतने तभी मेगुमी का न्यू आता है और वो अपने इलेक्ट्रोशॉक विंग से मोमो की बैंड बजा देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। नोरितोशी इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो इमीडिएटली माई और मेकामारू से कहता है कि जाओ मोमो के पास, हमें उसे सुरक्षित रखना है। जैसे ये लोग अलग होते हैं तभी भाई नोरितोशी और कासुमी के ऊपर मेगुमी और माकी अटैक कर देते हैं और इधर मेगुमी और नोरितोशी का सामना होता है। यहाँ पे मेगुमी नोरितोशी से पूछता है कि मुझे बताओ क्या क्योटो टीम सच में यूजी को जान से मारने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे पांडा और मेगुमी को पता होता है कि क्योटो टीम उसी जगह पे जा रही है जहाँ पे यूजी है और इसका मतलब ये है कि वो लोग यूजी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों भाई यूजी को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और भाई दूसरी ओर टोगे कर्स को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पे मोमो भाई रिकवर हो रही होती है और एक तरीके से पैरालाइज होती है वो पेड़ के ऊपर और तभी इधर पांडा और नोबारा आते हैं और वो मोमो को चढ़ाने लग जाते हैं। वही दूसरी ओर नोरितोशी मेगुमी से यही कहते हैं कि देखो हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम यूजी को जान से मारे, लेकिन मेगुमी यही कहता है कि हाँ तुम्हारे पास नहीं है लेकिन वो जो सॉर्सरर फैमिलीज हैं हमारे हायर अप्स उनके पास सुकुना के वेसल को मारने का अच्छा खासा कारण है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टोडो और यूजी की फाइट का सीन दिखाया जाता है और ये एक दूसरे को भाई पंचेस वगैरह मार रहे होते हैं। टोडो इधर यूजी के स्किल्स टफनेस और कमाल की एबिलिटी को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो कहता है कि देखो मतलब ये यहाँ पे जंगल में लड़ रहा है और ये अपने आप को इसके हिसाब से ढाल भी रहा है, इतना कमाल है। यहाँ पे जब टोडो यूजी का डाइवर्जेंट फिस्ट अटैक देखता है तो भाई वो कहता है कि ये गलत है, सबसे ज्यादा गलत, और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है भाई, इतनी बुरी तरह से चिल्लाता है कि भाई पूरी बैटल फील्ड में टोडो की आवाज गूंज जाती है। बाकी देखती है कि भाई टोडो चिल्ला रहा है और इसका मतलब ये है कि भाई यूजी अभी जिंदा है। कासुमी इधर अपनी क्लास की तरफ से भाई इन सबसे माफी मांगती है और वो कहती है कि देखो मैं लड़ना नहीं चाहती लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मैं हायर लेवल के सोर्सर्स के सामने आ सकूं और मेरा भी आगे चल के प्रमोशन।
प्रमोशन हो, जिससे कि मुझे और भी मिशंस मिले और मैं अपनी रैंक बढ़ा सकूं और अपनी गरीब फैमिली के लिए थोड़े पैसे कमा सकूं। इधर टोडो यूजी से पूछते हैं कि अच्छा मुझे एक बात बताओ यूजी, क्या तुम ऐसे ही कमजोर रहना चाहते हो? इस डाइवर्जेंट फिस्ट की वजह से तुम अभी और ताकतवर बन सकते हो। तो पहले तो यहाँ पे यूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोडो उसे बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो इस बात से एग्री करता है कि वो कमजोर तो नहीं रहना चाहता, वो आगे चल के ताकतवर बनना चाहता है। टोडो ये बात सुन के भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो यही कहता है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जो इस रोल में हमें दिखाया जाता है कि फीमेल कैरेक्टर से पूछा जाता है कि तुम्हें किस टाइप का इंसान पसंद है। माकी कहती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कि मुझसे स्ट्रांग हो। माई इधर आंसर ही नहीं देती और नोबारा कहती है कि मुझे यूबीएसएसडी बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि नल्ले कड़के बदबूदार कंजूस और मरे हुए। मोमो इधर बताती है कि मुझे तो सेबेस्टियन स्टैन पसंद है। कासुमी कहती है कि देखो मुझे एक हॉट बंदा पसंद है जो कि काफी फनी हो और हमेशा मुझे हंसाए और मुझे ऐसा महसूस कराए कि वो ही मेरे लिए है और मैं सिर्फ उसके लिए हूँ। यहाँ पे दूसरी ओर जब गोजो से ये सवाल पूछा जाता है तो गोजो यही एक्सप्रेस करता है कि हाँ मतलब एक लड़की तो थी, काफी अच्छी थी दिल की, और वो उठा ही मेरे को यही बता रहा होता है कि वो लड़की दिल की बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट सी है और मतलब सबका काफी ख्याल रखती है। तो यहाँ पे भाई उठा ही मैं सोचती है सारे लड़कियों के बारे में और एंड में आके वो कासुमी को ही चुनती है, क्योंकि ऑब्वियसली कासुमी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन को मैच कर रही होती है। बेसिकली कासुमी भी भाई गोजो को पसंद करती है और गोजो भी इनडायरेक्टली भाई कासुमी को ही पसंद करता है। तो आप बताइए कि आपकी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कौन सी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।